डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को जो आप लोगों का क्लास 12वीं के यानी साइंस वालों का जो मैथमेटिक्स है आप लोगों को जो फर्स्ट सेटिंग होने वाला है सेट है आप लोगों को आई। हालांकि आप लोग को सेट 10 गो आएगा, आप लोग को 10 सेट में से आप लोग तो कोई भी आप लोग को हो सकता है, आप लोग क्वेश्चन केवल इधर उधर रहेगा। तो आप लोग से एक बात के लिए हम बता देते हैं, जो भी आप लोग भ्रमित में रहते हैं भ्रम में मत रहिए, क्योंकि आप लोग को हालांकि इस तरह से आप लोग रहेगा मतलब 32 को पेज में छपा हुआ रहेगा। चलिए हम आप लोग को दिखा देते हैं, बता देते हैं आप लोग को। यहाँ पर देखिए, आप लोग को इस तरह से अगर प्रश्न रहा आप लोग को तो आप लोग भ्रम में मत रहिएगा कभी भी। आप लोग को 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न ही टिक करने हैं, सही करने हैं आप लोग को। यहाँ पर आप लोग को जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को सारा का सारा क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, ताकि आप लोग भ्रम में ना रहिए। क्योंकि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आता है आप लोग को वायरल होता है, क्योंकि आप लोगों को मिलेगा तो भ्रम में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं तो इसलिए आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग भ्रम में मत रहिए। जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को पहला दूसरा तीसरा इस तरह से जितना भी दिया गया है आप लोग को, तो सारा का सारा आप लोग अपने आँख में एकदम बिल्कुल फिट करके रखें। क्योंकि अगर आप लोग को क्वेश्चन वायरल भी होता है मिलता भी है आप लोग को, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा आप लोग को, तो ये प्रश्न मतलब सही है या गलत है, जो कि आप लोग को देख लेना चाहिए। हालांकि ये आप लोग को जो भी आप लोग भ्रम में रहते हैं, तो बच्चा लोग एग्जाम सेंटर में जाता है, मान लीजिए इसका आंसर आप लोग को याद कर लिया 4A, तो 4A इसका आंसर याद कर लिया, आगे भी जाके 4A रहेगा तो आप लोग को मतलब दूसरा प्रश्न रहेगा तो वो मार देगा। हालांकि आप लोग को ये गलती कभी नहीं करना है, आप लोग को पूरा क्वेश्चन ध्यान से रखिए ताकि आप लोग पकड़ में कर लीजिए, ताकि 2022 के क्वेश्चन है या नहीं है आप लोग पहले ये याद रखना जरूरी है, तभी आप लोग पता चलेगा। क्योंकि देखिए, आप लोग को जो भी क्वेश्चन इसमें दिखाया गया है आप लोग को, ये हालांकि 2021 के ही आया हुए क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को क्या करना है इसमें ध्यान में रखना है, ताकि जो भी मतलब इसमें हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बस अगर आप लोग को एग्जाम के समय में वायरल भी होता है, वायरल होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है फिर भी आप लोग खुद अपना मेहनत किए होंगे। हालांकि दुगना प्रश्न है, दुगना पे आसानी से आप लोग 50 को मार सकते हैं 100 को क्वेश्चन है तो। हालांकि लेकिन याद रखिए, कम से कम तो ये सब प्रश्न अगर आएगा तो आप लोग सीधे बोल दीजिएगा ये पिछले साल वाला है, आप लोग इस साल वाला नहीं है। तो हालांकि भ्रम में ना रहिएगा, लेकिन भ्रम के कारण आप लोग को जो एग्जाम में परफॉर्म है कम कर पाएंगे, नंबर कम आ जाएगा। इस तरह से आप लोग जितना प्रश्न है आप लोग को याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि आप लोग को यही वो क्वेश्चन है आप लोग को जो पकड़ में ला सकते हैं। क्योंकि पिछले साल भी आप लोग को 100 क्वेश्चन था, इस बार भी 100 क्वेश्चन है, तो कन्फ्यूजन तो सब बहुत सारा होगा। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होने के कारण ये हम आप लोग को लेकर आते हैं। हालांकि जो भी अगर आप लोग को वायरल भी होता है आप लोग को जैसे तैसे भी कैसे भी मिल जाएगा आप लोग को, तो आप लोग अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं भी मिलेगा आप लोग को तो भी आप लोग अच्छा से परफॉर्म कीजिए, क्योंकि आप लोग मेहनत किए होंगे, नहीं भी किए हैं आप लोगों, तो ये भ्रम में मत रहिएगा। भ्रम में रहिएगा आप लोग का तो सीधा सीधा मार्क्स आपका कम आएगा और आप लोग अपने लाइफ में गलत कर पाएंगे और या आप लोग का मार्क्स कमाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं आप लोग कि भ्रम में रहिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर में बहुत लोग मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो पिछले साल वाला वायरल कर देंगे। बच्चा लोग जो होता है कमज़ोर लोग, कमज़ोर मान लीजिए इसका आंसर याद करके गया 1, अब बताइए बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, एक एक मारते जाएगा वो सारा क्वेश्चन में, तो इस तरह से हो जाएगा बेचारा मतलब बहुत सारा वो अपना एग्जाम में परफॉर्म कम कर पाएगा या मान लीजिए अपना नंबर कम ला पाएगा, क्योंकि वो एक एक मार दिया गलती प्रश्न पे भी। तो इसलिए आप लोग जो सही आता है तो सही पे विश्वास कीजिए, नहीं तो आप लोग इसको याद रख लीजिए, ऐसा ऐसा प्रश्न अगर आया है आप लोग को तो वो समझ जाइए सीधे सीधे 2021 का पेपर है, 2021 के पेपर है, तो आप लोग सीधे उसको इग्नोर कर दीजिए, उसको कोई देखने या याद करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। सीधा सीधा एग्जाम में माइंड सेट अच्छा रखना है ताकि एग्जाम में आप लोग बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को इस तरह से आप लोग को दिया गया 57 प्रश्न। हालांकि पिछले साल क्या होता था आप लोग को 100 प्रश्न आता था, आप लोग को विश्वास हो जाता था, क्योंकि 100 प्रश्न वाला एग्जाम कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन 100 प्रश्न वाला एग्जाम तो पूरा हो गया है आप लोग का, जो कि 100 प्रश्न वाला आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। 100 प्रश्न वाला अगर मिलता है तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बस यही एक रास्ता है कि मेरा वीडियो कम से कम देखे रहेंगे, तो आप लोग को सही से ही पता चल पाएगा कि ये पेपर जो है कि मतलब पिछले साल वाला है या मतलब 2022 का है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग से एक बात का और रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे आप लोग को या जो भी मतलब आप लोग को हो मेरे तरफ से हेल्प देना होगा तो पूरा एग्जाम में हेल्प देते रहेंगे आप लोग को। और यहाँ पर आप लोग एग्जाम के जस्ट बाद अगर 100% सही सही सोल्यूशन चाहिए आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी आप लोग के पास वीडियो पहुँच पाएगा 100% सही सही। आप लोग जस्ट एग्जाम के बाद ही हम आप लोग को 100% सही सही सहयोग क्वेश्चन का आप लोग को सोल्यूशन देंगे, सभी विषय में हम बने रहेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे आप लोग 75 नंबर से इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। कोई भी अगर आप लोग देखिए क्या कीजिए, 8-10 को प्रश्न याद रखिए,
अगर क्वेश्चन आता है तो शुरुआत वाला मिलाइए 8-10 को, अगर मिल जाता है समझ लीजिए वो दूसरे साल वाला है, पिछले साल वाला है, ठीक ना। तो इस भ्रम में आप लोग ना रहिएगा। हालांकि देख लीजिए 82 नंबर इस तरह से दिया गया है आप लोग को, यहाँ पे 83-84 भी दिया गया है आप लोग को, जो कि देख लेना चाहिए। हालांकि जो भी मतलब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, अब कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चा मान लीजिए इसका जीरो याद कर लिया आंसर, जीरो याद कर लिया तो जीरो तो बहुत मिकाएगा, और जीरो अब इस तरह से अगर देख लेगा तो ये जान जाएगा वो पिछले साल का क्वेश्चन है। जीरो याद करने के बजाय क्या करेगा, अपना सही माइंड फोकस रखेगा, नहीं तो आप लोगों को मतलब सही पेपर आने का इंतजार करेगा। तो सबसे पहले अफवाहों में ना रहिए, और व्हाट्सएप पर तो 100% अफवाह चलेगा ही चलेगा आप लोग को, हालांकि सच्चाई बहुत कम ही चलता है आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन अफवाह बहुत लोग मतलब घर बैठे मतलब उनको एग्जाम नहीं देना है, घर बैठे हैं एग्जाम देने वाले बच्चों को भ्रमित कर देंगे, भेज देंगे क्वेश्चन गलत सही, और बच्चा लोग क्या करेगा एग्जाम सेंटर पे बहुत हलबली मच जाएगा, जो कि क्वेश्चन आ गया ये हो गया। लेकिन आप लोग इस तरह से पकड़ लीजिए, ये ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो ये पिछले साल वाला है ना कि इस साल वाला, तो ठीक है। आप लोग को एग्जाम के बाद आप लोग को सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए सभी के पास ताकि भ्रम में न रहे। तो ठीक है, आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।